होता है वो वर्ब के प्रभाव को ग्रहण करने का क्या करता है। अब हमारी दिक्कत है कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचाने, तो कैसे पहचाने, याद है आपको पहचान कैसे, वर्ब से क्या का प्रश्न करें या किसे का प्रश्न करें, यानी वर्ब से आप व्हाट का प्रश्न करें या हुम का प्रश्न करें तो क्या मिलेगा आपको। देखिए बस एक्शन वर्ब से ही, बल्कि लिख लें अगर आप चाहें तो लिख लें यहां पे, ये वर्ब कौन सी होनी चाहिए, एक्शन वर्ब। अगर आप बीइंग वर्ब से क्या का या किसे प्रश्न करेंगे और आंसर मिलेगा तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आई हैव प्रेजेंटेड हिम अ ब्यूटीफुल वॉच, हमेशा अपनी काबिलियत पे भरोसा करें और स्टेप वाइज बने हमेशा। सबसे पहले ये पहचान लें कि क्या इस वाक्य का सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। केवल एक छोटा सा लेटर है, कौन सा, केवल इतना ही आपका सब्जेक्ट, ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा पेरिकेट है, ठीक है। अब इसमें भी हम पहचान सकते हैं ये जो है वो प्रेजेंटेड है, ये क्या है, वर्ब है आपके, यानी जो कार्य मैंने किया वो वर्ब हो गए। अब जैसे हमने वर्ब आई तो इस वर्ब से हमने दो प्रश्न किए, क्या का और किसे का। तो मैंने प्रेजेंट किया है, क्या प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया है, अ ब्यूटीफुल वॉच, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई। और हमने, मैंने किसे प्रेजेंट किया है, ये भी काम हो गया ऑब्जेक्ट, यानी यहां हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात देखें, द मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, कर लेंगे इसका सबसे पोर्शन कौन सा होगा, द मैन, इसकी वर्ब क्या है, टोल्ड, जो इसने बताया। अब अगर हमारे पास वर्ब हो गए तो हम इससे प्रश्न करें, उसने क्या बताया, एक कहानी, किसको, मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी हमने ये जाना कि हम एक ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग दे लें।
टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, PYTES, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है तो आप कहिए ऑब्जेक्ट मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन कुल तीन प्रकार का होता है। पहले जो दो प्रकार हैं आपके, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला जानते होंगे आप एक ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। लिख तो आप बचपन जानते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो तीसरा मैंने जोड़ा कॉग्निट ऑब्जेक्ट, इससे जानकारी के लिए आप जाने इसका आपके एग्जाम में कोई भी फायदा नहीं। नॉर्मली मैं दो ही पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने जोड़ा यहां पे कॉग्निट, जान लिया जा कि कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी कुछ होता है। पहली हेडिंग दे दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट। अगर ये वाक्य आपको दिया जाए आई हैव कॉल्ड हिम, एक बच्चे को नॉर्मली ऐसा लगता है कि जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आप ही जानकार है। एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सजीव है या निर्जीव। पहली हमारी जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। आप इसे ऐसे मेरे रूप में, मेरे डायलॉग के रूप में आप ऐसे याद कर लें, हमारे पिता हैं तभी हम हैं। अगर हमारे पिता अकेले होते तो हम नहीं होते, यानी वो हैं इसलिए हम उनके बाद। अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट होने का कभी सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले डायरेक्ट आएगा तभी क्या आएगा। तो अगर एक ही है तो पहले कौन रहेगा। तो अगर ये इससे कोई फर्क नहीं है कि जैसे हम ना बचपन में पढ़ाएगा जो क्या से मिलता है वो ये होता है, जो किसे से मिलता है वो ये तब होता है जब हमारे पास क्या हो, दो ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तो चाहे वो क्या से मिले चाहे वो किसे से, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक वाक्य में अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक वाक्य में अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। टेस्ट देकर लिख लें वहीं पर, टेस्ट देकर चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव। कॉमा दीजिए, कॉमा, चाहे क्या से प्राप्त हो चाहे किसे से प्राप्त हो। आप चाहे तो क्या और किसे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल, यानी चाहे आप क्या का प्रश्न करें चाहे आप किसे का प्रश्न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इफ यू हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो जस्ट यू मस्ट से दैट दिस इज व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको कहना चाहिए कि वो क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस देख लें आप, आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम। उस दिन पहले ये चीजें आप बहुत ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने आपको बना दिया, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे, ये जो आई है यहां सिंगल क्या है, सब्जेक्ट है, हम ध्यान नहीं देते थे कि इसे हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, हम ध्यान नहीं देते थे यह एक प्राइमरी वर्ड है, हम ध्यान नहीं देते थे यह एक नाउन फ्रेज, ये चीजें हम नहीं ध्यान देते। इसके आगे बढ़े तो इसने कुछ किया है, क्या किया है, बुलाया है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वर्ब। अब अगर ये वर्ब है तो हम कह सकते हैं कौन सी फ्रेज होगी, वर्ब फ्रेज हो जाएगी, यानी नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। अब ये वाक्य बन चुका है आपका, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज भी हमारे पास है, क्या, ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बुलाया है तो किसे बुलाया है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हर हाल में क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और बात लिख लेते, शी हैज कुकड़ो, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, शी, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, इसने कुछ किया है, क्या किया है, पकाया है, तो ये क्या है उसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब हमें पता चल गया। कोई आपसे पूछे कौन सा सब्जेक्ट है तो आप कह सकते हैं यही सिंपल सब्जेक्ट, कोई ये भी पूछे कौन सी वर्ब है तो आप कह सकते हैं यही सिंपल प्रेडिकेट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं, सिंपल प्रेडिकेट या सिंपल वर्ब। अभी भी हमारे पास एक शब्द है लीव, तो उसने पकाया है, क्या पकाया है, भोजन, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आपको पता है ये पूरा मिलकर के कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा, इस कंप्लीट प्रेडिकेट में यह है कुकर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट दे लें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब एक चीज तो हमें दिमाग में बना लेनी चाहिए कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अलावा हर हाल में क्या है हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर हाल में। लेकिन एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हो तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसे पता कर लेंगे हम, देख एक्शन वर्ब से अगर हम क्या का प्रश्न कर रहे हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर एक्शन वर्ब से हम इसे इसके लिए ये सब प्रश्न कर रहे हैं तो फिर हमें जो मिलेगा वो हमेशा बहुत आसान।
और हम सोचे तो कॉम्प्लीमेंट को छोड़ करके हम करीब पूरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कुछ भी पहचान सकते हैं। अब देखिए आप इस सब कुछ पहचान सकते हैं। He presented his children, उसने अपने बच्चों को तोहफा दिया क्या? और वेरी ब्यूटीफुल वॉच, आप अपने से चाहेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते। सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, हो जाएगा इसने कुछ किया, क्या किया? प्रेजेंट किया, दिया इसने, प्रेजेंट किया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गई? प्रेडिकेट, मतलब वर्ब हो गई आपकी। ओके, अब अगर वर्ब है तो आप जल्दीबाजी न करें। अगर वर्ब है तो क्या क्या हो सकते हैं, वो वर्ब के मतलब वो वर्ब के बाद क्या क्या हो सकता है? वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा कंप्लीमेंट भी हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। तो हमें पहले देखना होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो उसने दिया, क्या दिया? क्या दिया? अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो किससे मिला था, क्या से, ठीक है? और किसको दिया उसने? अपने बच्चों को, ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट। जो क्या से जवाब मिला वो कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर ये डायरेक्ट है तो अपने आप क्या हो जाएगा? देखिए ये सब्जेक्ट है ना, ही, इसने कुछ किया, क्या किया? प्रेजेंट किया, तोहफा दिया, क्या तोहफा दिया? अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी। ये क्या का जवाब है तो कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया? अपने बच्चों को। ये किसे का जवाब है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ये भी कर लेंगे, देखें दोस्त स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर द ट्रुथ। कभी ये इतना बड़ा सेंटेंस हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता रहा होगा, हाउ शुड वी आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, हम इसे कैसे पहचाने? Now we can do each and everything. अब हम सब कुछ कर सकते हैं। We can identify by the help of words. हम इसे शब्दों के द्वारा पहचान सकते हैं। कौन सा primary है, कौन सा compound है, कौन सा क्या है? हम इसे phrase के द्वारा पहचान सकते हैं। कौन सी phrase है, क्या है? Class पढ़े कि नहीं आप? पढ़ चुके ना? तो हम इसे class के द्वारा पहचान सकते हैं। ये कौन सी class है? कौन सी क्लास है तो हम सिंपल कॉम्प्लेक्स पहचान सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, और अभी हम इसके सारे सेंटेंस के पार्ट्स बता सकते हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन से वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। और देखें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम दो स्टूडेंट्स की बात, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या हो गया हमारा, पहले इस तरह बांट लें फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ किया, क्या किया? बताया। ये क्या होती है वर्ब। अब जैसी वर्ब मिली हम क्या और किसे का प्रश्न करें। इन्होंने बताया, क्या बताया? द ट्रुथ, वो सच्चाई। तो ये क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट क्या से मिला है इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो सच्चाई उन्होंने किसे बताई, टीचर। ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चूंकि किसी का जवाब इसलिए क्या हो जाएगा, क्या देखते
बस आने के रहना है एडवर्ब के मामले में इधर डब्ल्यू वगैरह दिया रहे तो सही कह रहे हैं तो कोई अंतर नहीं। जैसे ब्यूटीफुल क्या होता है, नॉर्मली कोई एक्शन होता है या कोई बच्चा वगैरह है बच्ची वगैरह है वो ब्यूटीफुल होता है। लवली क्या होता है, कोई भी चीज जैसे द वर्ड इज लवली देयर वाज अ लवली चाइल्ड दिस इज अ लवली मोबाइल कुछ भी ऐसा, यानी दोनों कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। इसीलिए क्या किया जाता है, जब कहा जाता है शी इज वेरी लवली एंड ब्यूटीफुल कहा जाता है, ये दोनों शब्द क्या है समान, बस उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया जाता है उन्हें संयोग से दोनों एडजेक्टिव्स में, लवली भी एडजेक्टिव है लव प्लस एलवाई और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है ब्यूटी प्लस फुल, तो दोनों समान होते हैं। अगर आप किसी चीज के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों एक साथ कर दीजिए, जैसा आपने कहा शी इज लवली ठीक है, तो फिर यहां मतलब आप कम प्रभाव की बात करें, शी इज ब्यूटीफुल आप कम प्रभाव की बात करें, बट एज सून एज यू कंबाइन दीज वर्ड्स जैसे दोनों को आप जोड़ते हैं से और कहते हैं शी इज लवली एंड ब्यूटीफुल मींस आप उसकी ब्यूटी को क्या कर रहे हैं आप बढ़ाने की कोशिश, इंपैक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहां तक किसी भी बच्चे या किसी भी बच्ची को देखकर जो न समझ पा रहे हो आपने कोई भी कुछ भी बेहिचक होने अगर कोई बच्ची नहीं समझ पा रही है ये वाला सेंटेंस देखो, अगर हम कुछ भी न समझ पाए तो अभी तो आप समझे दे देना ये कार्य किया गया है यहां से वर्ब, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, एग्जाम आर वाज वर्ब कुछ नहीं, यानी यहां से जो पोर्शन है हमारा वो क्या है पूरा प्रेडिकेट है, अगर ये प्रेडिकेट है तो ये क्या होगा सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट से हम क्या का प्रश्न कर रहे हैं, किसने क्या किया क्या कर रहा है, किसने क्या किया बताया, ये क्या हो गई वर्ब हो गई। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो गई, जैसे होता है एक बार चक्षु द्वार खुल जाना मीन्स अब हमारे पास रास्ते हैं, हम ये पहचान सकते हैं इसके आगे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या फिर केवल एडवर्बियल। अब हम बस ये जाने कि अगर वर्ब से हम क्या या किसे का प्रश्न करते हैं तो हमें केवल और केवल ऑब्जेक्ट ठीक है, तो उस उन बच्चों ने उन स्टूडेंट्स ने बताया क्या बताया द ट्रुथ यानी वो एक ऑब्जेक्ट हो, किसे बताया द टीचर को याद होगा तो द टीचर को बताया इसलिए क्या हो जाएगा वो इनडायरेक्ट यानी यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट। एक और चीज आप जानिए नॉर्मली आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, आप इसे उल्टा कर सकते हैं जो शायद आज ही आप जानेंगे, हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं कुछ देर बाद। और किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम कुछ भी अगर आप नहीं समझ पा रहे चलिए और देखते हैं और बातें करेंगे। अगर आपको ये बात दिया जाता आई हैव रेड माई बुक्स देखिए मैं क्लास फोर्थ में था जब मेरे फादर ने अपने स्कूल में मेरे को ऐसे बुला करके कहा चलो बच्चों को पढ़ाओ, उन्होंने मजाक में कहा नहीं वो जानते नहीं रहे उस समय कि मैं कभी ऐसे ही मैं क्या करने लगूंगा मैं पढ़ाने लगूंगा, तो धीरे धीरे मैंने प्रारंभ शुरू किया बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया होगा मैंने, बट मैंने कहा ना वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे जहां चाह है वहां राह, तो देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए क्या है कठिन ठीक है असंभव है। होता क्या था हम शब्दों की पहचान करना नहीं जानते इसलिए हमारे लिए ये केवल एक सेंटेंस बन के रह जाते, अभी थोड़ा प्रॉब्लम 50-60% हम समझ सकते हैं यहां इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है आई, समझ रहे हैं ओके आई हमारा सब्जेक्ट है, तो जैसे हमने सब्जेक्ट पता किया इस आई से हम ये प्रश्न कर लें कि मैंने कुछ किया है क्या किया है मैंने पढ़ा है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई। अब फिर मैं कहूंगा हमारे रास्ते खुले हुए हैं, अब अगर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ही बताएगा कि इसके आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स हैं या फिर एडवर्बियल्स हैं, तो मैंने पढ़ा है क्या पढ़ा है अपनी किताबें, ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मैंने किसे पढ़ा है किसे पढ़ा है नहीं हमारे पास है भी तो यही आंसर आएगा कैसे पढ़ा है
कैसे पढ़ा है, तो बस इतना आपको याद रखना होगा अगर एक्शन वर्ब से आप कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितनी बार का जवाब पाते हैं वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा एडवर्ब होता है। यानी केयरफुली को भूल के लिए ऑब्जेक्ट ना कहें, क्या कहिए, अगर आप और अच्छे बनना चाहते हैं तो यह कैसे का जवाब है ना, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी मैं और बड़ी बड़ी सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि आप वहां भी आप पहचान सकते हैं। ये एडवर्बियल हो जाता है, लेकिन एडवर्बियल का उत्तम होता है जब दो तीन शब्द जुड़ जाते हैं, फ्रेज के रूप में आ जाते हैं, उसे एडवर्बियल है। जैसे मान लिया जाता वेरी केयरफुली, टू केयरफुली, सो केयरफुली, तब क्या हो जाता है, इसे एडवर्बियल। अगर सिंगल है तो एडवर्ब है, उस एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर कर लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस कर लीजिए, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो कह सकते हैं। ओके, बड़ा सेंटेंस लेते हैं, वन डे कब आए, told me that he was going to the देखिए मेरे जैसा टीचर हमेशा चाहता है मैं आपको पहले किनारी किनारी तैरा लूं और फिर धीरे धीरे आपको बीच में भी लेके जाऊं, केवल किनारे पर तैरा के आपको छोड़ ना दो और वाह भाई लोरी आगे आपको आ गया, इस तरह नहीं आएगा। आपको बीच में भी तैरना सीखना ही होगा, कठिन चीजों को फेस करना है, नहीं करना चाहते आप लाइफ। तो ऐसे सेंटेंस तो हम लोग के सपने में हम लोग नहीं सोचते थे कि हम कभी पहचान लेंगे ऐसे सेंटेंस। अभी देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं इस बड़े वाक्य के साथ। सबसे पहले हम वन एक प्राइमरी वर्ड है ना, एक प्राइमरी वर्ड, तो प्राइमरी वर्ड व्हाई प्राइमरी वर्ड बी टोल्ड प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी डेरिवेटिव हमने वर्ब को चेंज कर दिया, मी प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी वर्ड, ही प्राइमरी वर्ड, पास को हम चाहे टेंस के आधार पे देखें तो सेकेंडरी डेरिवेटिव हो जाए, गोइंग भी क्या होगा सेकेंडरी डेरिवेटिव है क्योंकि आई एन जी मैंने जोड़ा, प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है और यानी वर्ड क्या था, हम फ्रेज के आधार पर भी पहचान सकते हैं। वन डे नाउन फ्रेज की तरह, लेकिन आपको पता है यहां यह एडवर्ब की तरफ काम कर रहा है, पता है क्यों, क्योंकि जवाब है कब, तो कब इसलिए एडवर्ब की तरफ काम। द बॉय क्या है, नाउन फ्रेज, टोल्ड क्या है, वर्ब फ्रेज, मी क्या है, नाउन फ्रेज, दैट क्या है, कंजंक्शन। और आप इतने सक्षम हो, अगर आपकी याददाश्त अच्छी हो आप ये भी बता सकते हैं यह कौन सी कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट, कौन सी कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ही कौन सी फेज, नाउन फेज, वाज गोइंग कौन सी फेज, वर्ब फेज, और टू द टाउन प्रीपोजिशनल फेज। पता है प्रीपोजिशनल फेज यहां कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो कहां जा रहा था, नगर को जाना, ये कहां का जवाब दे रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशनल फेज यहां एडवर्ब की तरह क्या कर रहा है। मेरे लाइन पहली बार पहले दिन की लाइन याद रखिएगा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, कोई भी बड़ा कार्य आप एक बार में नहीं कर सकते, क्या लगेगा आपको। अभी हमने फ्रेज के आधार पर बांट, हम इसे क्लास के आधार पर बांट सकते हैं, वन डे द बॉय टोल्ड मी एक क्लास, That he was going to the town, दूसरी क्लास, That से जो क्लास बन रही वो कौन सी क्लास, सबॉर्डिनेट क्लास। जैसे आपके मन में सबॉर्डिनेट क्लास आया तो आपके मन में आ जाया कि कौन सा सेंटेंस, यहां तक हमने क्लियर किया। अभी हमने केवल स्ट्रक्चर के आधार पे जाना, अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि whether we are able to identify the subject, the verb, the complement, the object, the adverb, etc. or not, okay? तो वन डे ये क्या सब्जेक्ट में आएगा कि प्रेडिकेट इसमें आएगा,
लेडी के लिए आया, क्योंकि यह कहां का जा एडवर्ब और एडवर्ब सब्जेक्ट का पार्ट है। द बॉय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। टोल्ड क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। तो किसने बताया, किसे बताया, क्या हो गया? आप अच्छे अच्छे टीचर से अच्छे बन सकते हैं। आओ, ये पूरी जो क्लास है आपकी, इतनी बड़ी क्लास जो आपने लिखा है, ही वाज गोइंग टू द टाउन, यह पूरा इतना बड़ा आपके पास क्या है? आप इसे ये कैसे हो जाएगा? कितना आसान है। तो उस बच्चे ने बताया, किसे बताया और क्या बताया? क्या बताया? कि वह नगर को जा रहे, पूरी क्लास नाउन क्लास है ना, कि वह नगर को जा रहा है, नाउन क्लास है, और ये नाउन क्लास यहां किससे सा काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरफ। लिख लें, बढ़िया लगेगा आपको, धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं और दे रहा हूं, सब इसको कर लिया, मैं इन सब से बचा के आपको खुश करके आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन इसमें नुकसान है। आप हमेशा समझते ही चले जी, ये आपका एडवर्ब के अंतर्गत आएगा, द बॉय सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, इस लड़के ने कुछ बताया, ये वर्ब हो गई। अब किसे बताया उसने? मी को, मुझे, ऑब्जेक्ट हो। क्या बताया? क्या बताया? कि वह जा रहा है नगर को। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप ये भी चेक कर सकते हैं ना, मी कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट। और ये कौन सा? टोल्ड वर्ब हो जाए। जो कार्य सब्जेक्ट ने किया वो आपकी वर्ब हो जाए। हाँ, नाउन क्लास हो ये लड़के रुके वहां पे, लड़के रुके, कौन बच्चे निकल रहे? अंदर चले। बच्चों को बताइएगा कि जब लड़कियां निकल जाए उसके बाद यहां निकल जाए। फास्ट पिक्चरों निकलो जल्दी, फास्ट बच्चे निकले हैं फास्ट। हो गए जे, ऐसा ही सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, द मैन सेड दैट He was a good person. इस बहस से पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि हम इसका अर्थ समझ लें। हमारा समझने क्या? आदमी ने कहा कि वह एक अच्छा इंसान। आज हम क्या क्या कर सकते हैं? देखें, आज हम कह सकते हैं कि जो द मैन है ये हमारा नाउन फ्रेज है, ये सेड हमारी कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज है, दैट कंजंक्शन हो गया। ही कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। वास कौन सी फेस है? वर्ब फेस है। और कितना बढ़िया लगे हमें कि अ गुड पर्सन कौन सी फेस है? नाउन फेस। इसका हेड वर्ड क्या है? पर्सन, यही नाउन। हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, यह द मैन सेड, आदमी ने कहा, एक क्लास हो गई। क्या कहा? एक क्लास हो गई, दैट से। तो अगर एक क्लास ये, एक क्लास ये, दैट से कौन सी क्लास में? सबॉर्डिनेट क्लास। तो ये क्लास जहां एक प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। हम और आगे बढ़ सकते हैं, ये द मैन क्या है? यहां सब्जेक्ट। सेड क्या है? वर्ब। दैट क्या है? कंजंक्शन। अब यहां से पूरी हमारी क्लास है।
अब हम ये नहीं जानते कि क्या है, ये एडवर्ब होगा या हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सेट से प्रश्न कर लेंगे, आपने ने कहा, क्या कहा? कि वह एक अच्छा इंसान है। क्या कहा? कि वह एक अच्छा इंसान है। अगर आपको याद हो, अगर वर्ब से आप क्या का प्रश्न करते हैं और आपको जवाब मिलेगा तो क्या होगा? पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। और चूंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप मौके करें आपसे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आसान। अभी और मैं दे दूंगा, कर ले आप जब तक न समझ ले आप ये चीजें। वो हम लोग जमाने में हम लोग कभी नहीं पढ़ाए गए सब क्लासेस वगैरह ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम कर सकते। हो गया। और देखें आप, आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स व्हाई आई एम गोइंग। देखिए मैं जानता हूं जो बच्चे आपने मॉडरेट लेवल पे हम गया, जो बच्चे हैं क्लास मॉडरेट लेवल पे होंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। आसान आसान पढ़ के अगर आप खुश फहमी के शिकार होना चाहते हैं तो आपके लाइफ है, मैंने कहा करिएगा ऐसा। अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीजें जानिए 50% जाने जाने, इससे आगे आपको पता है कहां मदद मिलेगी। आप जब पिकी वारिस कर रहे हैं, पिकी वारिस समझते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन, आपको मिनिमम 4 कोर्सेस दे दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, डी दे दिया गया, क्यू आर और एस, मिनिमम इतना रहेगा, ठीक है। जो सीएचएसएल होता है उसमें केवल 3 होता है, पी क्यू आर। जो सीजन होता है उसमें 4 भी दिया जाता है और भी 1 और 6 करके दिया जाता है। मैं 4 लिख रहा हूं, माने मैंने लिखा हैव थॉट वेरी केयरफुली Naughty, twice, अगर आपको इसे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? क्या हो जाएगा? सम नॉटी ट्वाइस। अब आपका पहले हैव कब आएगा और फिर वेरी केयरफुली आएगा, क्यों? क्योंकि पहले वर्ब आएगी फिर उसका एडवर्ब। ये तभी कर पाएंगे आप पिकी वारिस वगैरह जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। मैं फिर कहूंगा ये तो आप ऐसे शहर में हो जहां पे बढ़िया बढ़िया टीचर्स ठीक से एमबी सालों नहीं करा सकते। मैं बढ़िया बढ़िया टीचर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल छोड़ दी, बहुत यार नाम भी नहीं जानते हैं वगैरह क्या होता है, किरण वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो आप एक ऐसे शहर में जहां ये सब चीज बहुत नहीं, लेकिन आप यहां से अगर बाहर कभी निकले या जाएंगे इलाहाबाद दिल्ली वगैरह तो आप जाने की तब आपको पता चलेगा जो शख्स आपको पढ़ा रहा था वो आपको केवल बनाने की कोशिश कर रहा था या उस लेवल पे बन जाए। लेकिन अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो अपने को भी थोड़ा सा क्या करना होगा, उठान। आप अगर यहाँ के लेवल पे चाहेंगे रह करके इलाहाबाद और दिल्ली का विद्यार्थी बनना तो नहीं चलेगा, फिर आपको मानसिकता भी उठानी होगी आपको। अगर कोई ऐसा चाह रहा है तो हम अपना भी लेवल क्या करें थोड़ा सा, तो आप धीरे जानेंगे पीक्यूआरएस क्या होता है। क्लोज टेस्ट आप में से 1-2 बच्चे शायद कर पाते हो, हाथ उठाइए। क्लोज टेस्ट पर देखिए कितने लोगों ने क्लोज टेस्ट का नाम सुना, हाथ उठाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सोच देखिए। अगर आप एक खुशफहमी पाले हुए कि आपको कंपटीशन पास करना है तो आपको मेरे जैसे किसी शख्स पे भरोसा करना, क्योंकि आप जिनपे भरोसा करते आए अगर वो ऐसे हैं कि आज तक आपने नाम भी नहीं सुना तो उनके भरोसे रहते आप कहां चल पाते। सोच रहे हैं आप ऐसे कुएं के मेढक बन के रह जाते और आपको लगता रहता आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, कभी भी कोई आसरा आपको अच्छा नहीं मिलता। अभी उससे आप बाहर निकल रहे धीरे धीरे, आप एक तालाब के पास आए और मेहनत करिए, आप एक दिन अपने आप को नदी के पास पाएंगे और समय दीजिए मेरे से टीचर को, आप देखो समुद्र के पास पाएंगे जहां कहेंगे कि नाउ आई कैन डू टीच एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐसे
95% बच्चों को क्या करना है, हार कर। 10-5% बच्चे हैं जो इन्हें अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो मेरे भरोसा करें, मैं आपको कभी भी चीट करने की कोशिश नहीं करूंगा, यानी कभी ऐसा नहीं होगा मैं आपके पैसे के लिए काम करूंगा, नहीं आप मेरे 2-4 बार पढ़िए और तमाम पैसे रिकम को मालामाल करिए। इसलिए मेरे यहाँ सिस्टम है, अगर आप दोबारा पढ़ते हैं तो इससे आपके हाफ हो जाए, दोबारा पढ़िए एक भी पैसा आपको नहीं देना होगा। यानी ऐसा नहीं लालपुर डॉक्टर की तरह जो बार बार जाए और बार बार हमसे क्या लेता है, फीस लेता है, ऐसा नहीं है। आपके मन में ये ना आया कि सर फीस इसलिए कह रहे हैं ताकि सर का उससे फायदा हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन आप ये समझिएगा कहीं बार में आप नहीं चल पाए कि आपने बार बार कोशिश सब चले, ऐसे पढ़ाई भी आपकी है। आप सोचें एक बार पढ़ के मास्टर हो जाए, तो जो बच्चे 6-7 साल से पढ़ रहे हैं फिर वो बेवकूफ तो नहीं है ना, कहीं कहीं वो ईमान रहे कि उसमें ज्यादा समय लगेगा आपको। वैसे यहाँ भी है, अभी आपकी सोच है कि आप मेरे पे भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, करेंगे तो मैंने कहा हर हाल में आप फायदे में, नहीं करेंगे तो आप लाइफ है आप नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा था अभी चीजें कब कर पाएंगे आप, कि आप जाने ये सब नॉटी बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, ये पहले आए। इसकी वर्ब हमारे पास क्या है कम, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, तो और इसके बाद क्या आएगा एडवर्ब, वेरी केयरफुल। ये कब सीखे हमने कहा जब ये कर, चलिए तो मैन सेड दैट ही वाज, कुछ भी ना आए तो कितना समझ रहे हैं ना, यह प्रिंसिपल क्लास है और यह सबॉर्डिनेट क्लास है और सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर इसके आगे समझना है कि यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी वर्ब है, और हमें यह ना लगे कि हाँ दैट से हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। उस आदमी ने कहा, क्या कहा, कि वह एक अच्छा इंसान है। अगर आपको इसे आजमाना होगा जब आप वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आप जानेंगे ये पूरा सेक्शन यहां से पुट करके क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, और पता है क्या बन जाएगा, दैट ही वाज अ गुड पर्सन वाज सेड बाय द, ये आपका पैसिव हो जाएगा, आगे मिलेगा पैसिव। अच्छा ये चल, तो आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स व्हाई आई एम गोइंग, चल ये आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव टोल्ड, आप टेंस पढ़ेंगे तो आप ये भी जाएंगे जान जाएंगे यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस टोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने बताया है, किसे बताया है, माय स्टूडेंट्स, यानी ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और आप समझ सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट होंगे आप। तो मैंने बताया है किसे, माय स्टूडेंट्स, क्या बताया है कि व्हाई आई एम गोइंग, कि मैं क्यों जा रहा हूं, ठीक है, कि मैं क्यों जा रहा हूं, यही बताया मैंने। तो क्या बताया कि मैं क्यों जा रहा हूं, यानी ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट। चार्ज चल रहा है लेकिन गर्मी देखिए आ गई है, अभी चलने दीजिए कुछ देर, चलने दीजिए लाइट रहेगी तब फिर बुक बंद करिएगा, कर लेंगे वाह। यानी एक वर्ब से अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं तो हमारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दो है तो, और अगर किसे का प्रश्न करते हैं तो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, चाहे वो क्या से मिले, चाहे किसे से, चाहे सजीव से, चाहे कुछ टीचर्स हम लोग को ऐसे पढ़ाते हैं कि जो सजीव होता है वह इनडायरेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट होता है, गलत प्रभाव। देखें ये वाक्य, आई हैव गिवन हिम, मैंने दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, माय सन, अपना बेटा, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, किसे दिया है, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, और मैं लिख पाया जो क्या से प्राप्त होगा वो डायरेक्ट, ये माय सन क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, जबकि दोनों देखे क्या है सजीव, ये भी सजीव और ये भी सजीव, ये तर्क गलत है, ये सजीव नहीं, बस इतना याद रखें
क्या का जवाब, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे या किसके लिए का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, बंद कर देगा अपना एक लाइट ब्रेक, बंद सारी एसी की हवा ना खींच लेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बच रहा है आपको, मैं पढ़ा लूं और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे इन शब्दों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हिंदी में आप कॉग्निट ऑब्जेक्ट, COGNATE, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट, इसके हिंदी लिख लीजिए सजातीय, आप चाहे तो इसका थर्ड लिख सकते हैं जो मैंने हिंदी में पढ़ा था मातृवंशी। अभी आप समझ जाएंगे इसे मातृवंशी क्यों कहा जाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखें आप, ही पार्ट ऑफ ब्रेव, आप समझते होंगे जो पार्ट है यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और फाइट की सेकेंड फॉर्म है। वह लड़ा, क्या लड़ा वह, अ ब्रेव फाइट, एक बहादुरी को लड़ा। ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ही फॉट अ ब्रेव फाइट। ही क्या है, फॉट क्या है, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखें आप, जो वर्ब है आपके फॉर्म वही आपका ऑब्जेक्ट भी है। ये फॉर्म किसकी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट ही क्या है, यानी ये फाइल कहां से आया, यहीं से आया, मातृवंशी, मातृवंशी मतलब जो वहीं से निकल कर आया हो। ये फाइल खुद किससे बना है, इसी पार्ट से फाइट से बना है, लेकिन वर्ब ही खुद यहां क्या बनी है एक तरह से, यानी ये दोनों क्या है सजातीय है। तो जब ऑब्जेक्ट खुद उस वाक्य का क्या हो, वर्ब हो, वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन से एक और वर्ब अगर देख रहे हैं आप सर और बेहतर समझ जाए, ही सैंग ऑफ, समझ सकते हैं आप, ब्यूटिफुल सॉन्ग। ये सैंग किसका फॉर्म है, सिंग सॉन्ग, सांग भी किससे बना है, सिंग से ही बना है, ये भी वही शब्द है जो ये शब्द है, तो यह ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कॉग्निट ऑब्जेक्ट होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बस एक नाम दे दिया गया यहां, ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट लिख। ये एसी चल रहा है और देना नहीं, चलिए स्विच लग रहा है तो। तो ये पूरा एक खंड आपने फिनिश किया, यानी जो एक वाक्य के सबसे इंपॉर्टेंट तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी एक क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंट एग्जाम आगे आएंगे,
पहले तीन पोर्शंस में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप वर्ब नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो बोल सकते हैं आप, कोई भी बच्चा बच्ची आप। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनसे अपने आप को आजमाएं और हर एक चीज बताने की कोशिश करें। द बॉय एंड द गर्ल, cook the food and read देख कोई बच्चा वो पेट में से सब सीख के नहीं आता। सारे बच्चे यहीं पर मेहनत करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ चैलेंजिंग सेंटेंसेस को समझने के लिए अपना जी जान लगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी आंख या जमाए रखते हैं और बस सुनते रहते हैं, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिन पे फर्क नहीं पड़ता उन पे वक्त का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बहुत दिक्कत में होते हैं। इसलिए फर्क डालें, सबसे पहले तय करें कि हमारी वर्ब यानी प्रेडिकेट कहां से शुरू हो रहा है, कहां से। ये पूरा पोर्शन हमारा प्रेडिकेट, तो ये पूरा पोर्शन। इस सब्जेक्ट को आप बता सकते हैं यह सब्जेक्ट सिंपल, कंप्लीट या कंपाउंड है। आधे बच्चे समझ गए होंगे कंपाउंड है, क्योंकि हमने किससे जोड़ा है, एंड। जब एंड से दो नाउन से दो प्रोनाउन जुड़े हैं तो उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जो आज से पहले तुम लोग नहीं जानते तो मतलब इस पैसे से करें। अभी हम जानते हैं कि हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। ये जो हमारा प्रेडिकेट है ये कौन सा पूरा होगा, अभी नहीं, अभी ये पूरा अगर लेंगे आप यह कंप्लीट सब्जेक्ट, अरे कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इसमें ये भी तो है। रीड देयर बुक, एक मिनट एक मिनट नहीं है, अलग अलग ही जोड़ लीजिए ना, कुकड फूड ले लें एक साथ और रीड देयर बुक्स एक साथ, तो फिर एक कंपाउंड हो जाएगा। यानी पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। हम सोच रहे थे रीड के अलावा देयर बुक्स अलग से था आपका, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुकड के साथ क्या है, फूड है, तो रेड के साथ क्या है, देयर बुक्स। यानी ये आपका जो पूरा प्रेडिकेट है ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। ये तो हमारी जानकारी हुई। अभी क्या हम इसे फ्रेज के तौर पे बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। द बॉय कौन सी थिंग, एंड कंजंक्शन है, और आप बता सकते हैं कौन सी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। कौन सी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। क्लास में आते हैं कुछ बच्चे, मुझे लगता है या कुछ बच्चे जो है, कई बच्चे कह रहे थे इसमें, जिन बच्चों का वर्ड फ्रेज और क्लास ये छुटा होगा, सेंटेंस तो सारे बच्चे होंगे आपके, तो जिन बच्चों का वर्ड फ्रेज और क्लास छुटा होगा उन बच्चों को मैं जरूर से साथ, इसी संडे को अगर मुझे याद रहेगा, शनिवार को अगर याद दिला देंगे तो मैं बुला करके आपको एक्स्ट्रा घंटे डेढ़ घंटे में क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आप समझ जाए। दूसरा भी तरीका आपके पास है, अगर आपके पास कार या स्लिप है तो आपको एक शीट मिली होगी, जरूर मिली होगी। उस शीट को अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे मैंने शुरू से बिल्कुल वर्ड फ्रेज और क्लास संयोग से तीनों मैंने उसमें आपको दिया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। पढ़िएगा अच्छे से, मैंने ही लिखा है पूरा उसे, उसमें से भी आप समझ सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं समझ आएगा तो मैंने कहा आप संडे को एक्स्ट्रा बैच में आपका ले सकता हूं। चलिए यहां से कर लेंगे, कुकड क्या है, कुकड फूड क्या है, वर्ब फ्रेज, और रेड देयर बुक्स भी क्या है, वर्ब फ्रेज। अब इसमें अलग अलग कर ले आप, कुकड क्या है आपकी वर्ब, फूड क्या है नाउन फ्रेज, रेड क्या है वर्ब, और देयर बुक्स क्या है, ऐसे अलग अलग छाका से आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो, तो इन बच्चों और बच्चियों ने पकाया है, क्या बचाया, क्या पकाया है, ये भी आप सीख रहे हैं, और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ऐसे आप अलग अलग भी इसे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा ऑब्जेक्ट के बाद वो कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप अब वो पहले जान लें कि हम चाहे तो एक ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर सकते, एक छोटा सा बात मैं लिख रहा हूं, आई गिव हिम और, इसी बात को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सोचिए आई गिव और पेन
क्या होगा? डू। प्रश्न, यहां पे आपने हिम अ पेन लिया, कोई टू नहीं लगा। यहां आपने अ पेन और हिम लिया तो क्या लगाया? टू। पता है टू क्या है? एक छोटा सा फाइन, एक छोटा सा जुर्माना। क्यों दिया आपने? क्योंकि रूल है आपका। क्या रूल है? कि इनडायरेक्ट ऑफ से पहले होगा और डायरेक्ट ऑफ से बाद में, ये ना, इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में। लेकिन यहां पे क्रम तोड़ दिया आपने, नियम तोड़ दिया आपने, डायरेक्ट को पहले रख लिया और इनडायरेक्ट को। तो मैंने शायद कभी बैच में बोला होगा कि जब पहली बार मैं लखनऊ गया 29 मई 1991, 5 जून को मेरा रिजल्ट आने वाला था इंटरमीडिएट का, मैं डर गया था, पता नहीं क्या हुआ, पास हो मर गई। मैं यहाँ से 2007 कर लिया। तो जब मैं लखनऊ गया तो वहां पे भैया मेरे पास मोपेड थी, मोपेड से आते हैं लूना विक्की जिसे अपने आप ही कहते थे, वो बिना गियर वर वाले लेके चले। तो वो लेके मैं निकला, वहां हजरतगंज चौराहा है जो मेन मार्केट वहां के। तो हम लोग यहाँ आजमगढ़ में रहते थे, वो भी देहात में समय रहता था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, मतलब ट्रैफिक वैफिक क्या होता है। तो जब मैं हजरतगंज चौराहे पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पे कुछ लोग खड़े हैं एक तरफ। मैं सोचा ऐसे ही खड़े हो गया, मैं अपनी मोपेड लेकर के आगे निकलने लगा। तब तो मैं देखा चौराहे पे एक पुलिस वाला खड़ा है सफेद वर्दी में, वो जो मैंने हाथ किया रुको रुको, मैं नहीं रुका, फिर दबा लिया। प्रमोद यहाँ मेरे पीछे बैठे थे, वो कहते भागो, मेन एक्सेलरेटर तेज रो, फिर मैं तेज का किसी तरह मैं बचा। अगर वो पकड़ लेता तो क्या करता? फाइन लगा दो, पेनाल्टी लगा देता। क्यों? क्योंकि मैं गलत गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वहां रेड सिग्नल था, फिर भी मैं क्या हो रहा था, मैं निकल रहा। तो रूल है आपका, लेकिन रूल है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनडायरेक्ट को पहले रखे और डायरेक्ट को बाद में। हमने क्या किया? उल्टा किया। तो हमने छोटा सा क्या दे दिया? ये जुर्माना पता है दो तीन शब्दों का हो सकता है, टू का हो सकता है जहां को वाली भावना आए, फार का हो सकता है जहां पे के लिए बड़ी भावना आए, और कभी कभी विद का भी हो सकता है जो आगे आए। चलिए पहले फार वाला देख लेते हैं। ये देखें, आई कॉल्ड हिम अ टैक्सी, मैंने उसके लिए एक टैक्सी बुलाई, मैंने उसको टैक्सी नहीं बुलाई, मैंने उसके लिए टैक्सी। ऐसे हिंदी समझ में तो भी कर सकते हैं आप, वैसे वर्ब के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन फिर कभी तो आई कॉल्ड क्या लेंगे और टैक्सी, अब क्या बच जाएगा? बस यही आप लिखें, हेडिंग दीजिएगा अपनी कॉपी पे, ये हेडिंग रहेगा नेटिव शिफ्ट, नेटिव शिफ्ट। डेटिव से पहले आप ये जान लें क्या होता है, लिखने में आप लिखें, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे डेटिव केस के नाम से भी जान, डेटिव बी ए टी आई वी डी, डेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। लाइन चेंज कर लें, एक वाक्य में यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन डेटिव शिफ्ट के द्वारा, डेटिव शिफ्ट के द्वारा
एटिव शिफ्ट के द्वारा हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं एक लाइन छोड़े जोड़ लें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे? टू या फॉर स्थिति अनुसार रख लेते हैं। टू या फॉर स्थिति अनुसार रख लेते हैं। अगर आपको न समझ में आए कहां पर टू कहां पर फॉर, तो हिंदी यूज कर रहे हैं। जहां पर को वाली भावना आए वहां टू, जहां फॉर के लिए वाली भावना आए वहां फॉर। वैसे रूल्स भी है, अगर जहां पे गिव का प्रयोग है, जहां पे हैंड का प्रयोग है, जहां पे टेल का प्रयोग है, जहां पे बिड का प्रयोग है, जहां पे विश का प्रयोग है, जहां पे इंटरप्रेट का प्रयोग है, जहां पे एक्सप्लेन का प्रयोग है, जहां पे प्रेजेंट का प्रयोग है, जहां पे ओव का प्रयोग है, वहां टू लगाओ। जहां पे और का प्रयोग है, जहां पे बुक का प्रयोग है, जहां पे बिल्ड का प्रयोग है, जहां पे सेव का प्रयोग है, जहां पे रीड का प्रयोग है, जहां पे राइट का प्रयोग है, वहां पर फॉर लगाते हैं। लेकिन आपके लिए याद करना मुश्किल है, तो हिंदी से आप कर ले। को वाली भावना आ रही है तो टू लगा ले, और के लिए वाली आ रही तो फॉर। दोनों एग्जांपल्स कर लिया सामने। हिंदी बोलेंगे तो आपको ही समझ में आएगा कहां को लगाना है और कहां पर फॉर लगाना, तो कहां टू लगाना है कहां पे फॉर लगाना। एक और बात मैं लिख रहा हूं, देख ले। आई प्रेजेंटेड हिम और कोशिश करें कर लेकिन हिंदी बनाएंगे। आपने उसको एक गिफ्ट दिया या आपने उसके लिए दिया? क्या किया आपने? आपने उसको एक गिफ्ट दिया, यानी टू लग जाएगा। आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू हिम, आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू हिम। आप एक और एग्जाम्पल देखें, शायद अब और आसान हो जाए आपको। He made me coffee। अब उसने मुझको तो कॉफी नहीं बनाया होगा, नहीं तो मैं कहां जा रहा था। उसने मेरे लिए कॉफी बनाया होगा, बार बच्चे। कोई बच्चे अभी भी मनीषा है, कोई बच्ची मनीषा, कोई नहीं। चलिए हो गया। इसे नेटिव शिफ्ट कहते हैं। नाम किताब में यहां पर नहीं मिलेगा आपके, मैंने इसे नाम दिया जो फोनेटिक्स के लैंग्वेज पे, कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे नेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। तो वही बस नेटिव केस आपको क्या करना, शिफ्ट कर रहा है बदल रहा है स्थान। तो नेटिव शिफ्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहां से बदल कर कहां रख रहे हैं लास्ट में, तो डायरेक्ट को कहां ले आ रहे हैं पहले, जैसे नेटिव शिफ्ट। तो बस आपको टू और फॉर का यूज करना है। विद का भी एग्जाम्पल यूज करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसे बस समझ लीजिएगा। देख, आई
सप्लाइड वर्ब, सब मनी टू, यहां पहले से ही टू लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आप इसे बदलेंगे तो वाक्य देखिए ये हो जाए, आई सप्लाइड हिम। अब आपको क्या लेना होगा, वेदर, आई सप्लाइड हिम टू वेदर सम, लिख, ये अंतर आ जाएगा यहां पे जो वेदर, बस लिख लें, आगे जाने की जब वर्ब पढ़ेंगे तो आप इसे और बेहतर अच्छा, जहां सप्लाई का प्रयोग है, जहां प्रोवाइड का प्रयोग है, जहां फर्निश का प्रयोग है, तो वहां पे आप इस तरह विद और टू का प्रयोग करते हैं। कल से ही जो आपका सेगमेंट शुरू होगा ग्रामर में, वो आपका कंप्लीमेंट शुरू होगा, जो आप जानते होंगे कि वह एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। जब पहले हम ऐसे पढ़ते रहे थे He is a good boy, तो हम समझ नहीं पाते थे क्या, हम अच्छा समझ रहे थे कि वह एक अच्छा लड़का है, पर ये नहीं जान पाते थे क्या है। अभी कल हम जान सकते हैं He यहां पर सब्जेक्ट, हम जान सकते हैं कि इस यहां मेन वर्ग, और जब भी इस एम आर वाज वर्ग मेन वर्ग हो तो आप मुख्य कह दीजिए, इसके बाद जो नाउन फेज या नाउन या एडजेक्टिव है वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ऐसे ही हम कल आप जितने कंप्लीमेंट जान लेंगे और तभी हमारा सेंटेंस जो वाक्य का मैटर है वो कल ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट्स।